हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि साहू, योर इंग्लिश टीचर, क्लास फोर्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन आंसर इन चैप्टर 3, नाउंस, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंपाउंड इन इंग्लिश ग्रामर. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी. सबसे पहले आपके पास ग्रामर की कॉपी होगी. आपको मैंने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता दिया है. आई होप आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा. अब आज मैं आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ. देखिए, सबसे पहले आप कॉपी में चैप्टर 3 डालेंगे. उसके बाद चैप्टर का नाम, नाउंस, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंपाउंड. उसके बाद डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे. गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन विद एग्जाम्पल. आंसर है कॉन्क्रीट नाउन, ठोस संज्ञा. कॉन्क्रीट नाउन मीन्स क्या होता है? ठोस संज्ञा. देखिए डेफिनेशन है, नाउन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, टच, हियरिंग, साइट और स्मेल आर कॉन्क्रीट नाउन्स. नाउन्स संज्ञाएं, संज्ञाएं जिन्हें टेस्ट के द्वारा, टच छूकर, हियरिंग सुनकर, साइट देखकर और स्मेल के द्वारा पहचाना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन या ठोस संज्ञा कहते हैं. फिर से देख लीजिए, संज्ञाएं जिन्हें टेस्ट के द्वारा छूकर, सुनकर, देखकर और इस और या स्मेल करके पहचाना जा सकता है, उसे कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. एग्जांपल्स देखिए, कैट, वॉज, कार, हाउस, एप्पल, लैंड, वाटर एट्सेट्रा. तो ये सब क्या हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. तो ये सब क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन है. ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जांपल. आंसर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा. Nouns that stand for qualities, feeling, ideas and states of beings are abstract nouns. संज्ञाएं जो गुणों, भावों, विचारों और होने की अवस्थाओं के लिए खड़ा है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. देखिए आगे, abstract noun are not objects. Abstract noun एक abstract noun वस्तुएं नहीं हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वस्तुएं नहीं हैं. दीज आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड. ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं या जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल्स है, प्राइड मिस गौरव, ग्रीड मिस लालच, ग्रीफ मिस दुख, एंगर क्रोधित, पीस मिस शांति, ब्यूटी मिस सुंदरता, जस्टिस न्याय, यूथ युवावस्था, जॉय आनंद एटसेट्रा. तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना स्मेल कर सकते हैं. केवल हम इनसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. तो ये क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, गिव द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड नाउन विथ एग्जाम्पल. आंसर है कंपाउंड नाउन मीन्स यौगिक संज्ञा. नाउन दैट इज मेड विथ टू और मोर वर्ड्स. नाउन संज्ञा जो दो या दो से अधिक शब्दों के साथ बनाई जाती है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के साथ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन या यौगिक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, टूथ पेस्ट. तो दो शब्द को, टूथ और पेस्ट को जोड़ दिया गया है तो क्या हो गया है? टूथपेस्ट. तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन. वैसे ही बेडरूम, उसके बाद है ब्रेकफास्ट, बाथरूम एटसेट्रा. तो जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, वो होता है कंपाउंड नाउन. ओके स्टूडेंट्स, और आज का आपका होमवर्क है, गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन विथ एग्जाम्पल. एंड सेकेंड क्वेश्चन है,
गिव द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल. आपको यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है और राइट भी करनी है. ओके, थैंक यू.